बच्चों में अनहाइजीन की समस्या ज्यादा होती है, तो क्या बच्चों में ब्लैक फंगस के होने का खतरा ज्यादा है? मैंने फिर बताया कि शत्रु आपके पास कम हो, लेकिन आपके पास मजबूत अगर सिस्टम हो, आपके पास ज्यादा आदमी हो उसको काउंटर करने के लिए आर्मी, तो आराम से उसको काउंटर कर सकते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, और ये छोटे मोटे जो है सो उनके सामने, उनके इम्यून सिस्टम के सामने या प्रतिरक्षा तंत्र के सामने ये सब बेकार साबित होते हैं। अगर वो अटैक करते भी हैं तो उसको ये लोग खत्म कर देते हैं, प्राइमरी लेवल पे खत्म कर देते हैं। और बच्चों में आपका इम्यून सिस्टम जल्दी गड़बड़ होता है, स्टेरॉयड कौन सा चलता है उनको, या फिर उनको कौन सा ज़्यादा आयरन, आयरन रिच भी होना चाहिए इसमें, जिंक का भी रोल है इसमें, इसमें कुछ होता नहीं है, इसीलिए बच्चों को मेरे विचार से इसमें कोई खतरा नहीं है।